अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैंने अटेंडेंस अपलोड कर दी। अब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लस्टर पढ़ रहे थे हम, और अभी हमने क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस को देखना है। क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं। क्लस्टर का तो समझ आ गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है। एक ही टास्क होता है हमारा, और वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बेस पे हम शेयर कर देते हैं थ्रू यूजिंग द नोड और ईथरनेट विद कनेक्टेड सब नोड्स, जिसमें हम स्विचेस और हब डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे है एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंप्यूटर। एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंप्यूटर के देखते हैं क्या चीज़ एग्जिस्ट, जो आपका नेटवर्क बना हुआ है उसको कैसे हम एज अ क्लस्टर यूज़ करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट वे टू फॉर्म अ क्लस्टर वाज टू यूज़ एग्जिस्टिंग नेटवर्क वर्क स्टेशन इन अ लेबोरेटरी, जो भी बना हुआ है। ये एक नीचे डायग्राम मतलब फिगर बनाई गई है ना, उसमें दिखाया गया है कि उसको हम देख लेते हैं। These वर्क स्टेशंस वर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद IP addresses। देखें भाई, जो भी आपने एक नेटवर्क बनाना होता है ना, तो उसमें IP address हमें हर सिस्टम को देना पड़ता है। मैसेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड द मीन फॉर कम्युनिकेशन, जो भी ये पर्पज़ है वो तो पर्पज़ तो यही है ना, हमारा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं हम लोग। सो इन डीड द फर्स्ट वे ट्राइड बाय ऑथर्स फॉर टीचिंग क्लस्टर कंप्यूटिंग इन अर्ली 1990s वाज टू एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंप्यूटर, जो भी बना है उसके मतलब उस कंसेप्ट को दिया गया कि किस पर्पज़ के लिए हम ये क्लस्टर कंप्यूटर। कम्युनिकेशन ही है ना, जो भी आप नेटवर्क जिस तरह भी कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो पर्पज़ हमारा कम्युनिकेशन करना ही है। सो कंप्यूटर, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिकॉज इट हैज़ टू बी डन विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज। इसमें कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं हम ऐड करते, बस हमने कंप्यूटर्स ये है वो ऐड करना होता है, एक सेटअप बनाया हुआ था उसी के साथ ही, जो एज आ ईथरनेट कनेक्टिविटी कर देते हैं, और हमें बार बार IP साइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और हम मोस्टली यही है कि एक IP दिया जाता है उसको सब नेटवर्किंग हम कर लेते हैं, जिसे हम सब नेटिंग कहते हैं। सो क्लस्टर कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। क्लस्टर कंप्यूटर आपको एक साथ एक ही टास्क के ऊपर मल्टीपल कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर प्रोवाइड करता है। सो इसको देख लेते हैं, ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में क्या बना हुआ है, यूजिंग अ एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एक बना हुआ नेटवर्क है उसी को यूज किया जा रहा है। ये सारी जो है ये एक ईथरनेट है, ईथरनेट मतलब एक एज अ बस की फॉर्म में ये देखें अटैच है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच हैं, और जो आपका नेटवर्क कंप्यूटर है वो ये है जिसे हम एज अ क्लस्टर चूज कर रहे हैं, ये है। ठीक है, तो एक यूजर है वो चूज कर रहा है इसको एज अ क्लस्टर, कि इनको इन वाले जो सेटअप है इनको एक टास्क दिया जाए, बाकी भी हैं लेकिन उनको एज अ क्लस्टर चूज नहीं किया गया। सो ये है आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर से ही अपने नेटवर्क कंप्यूटर्स को एज अ क्लस्टर चूज करना। अब ये वो वाला पार्ट जो ऊपर था, आपने उसी वाली डायग्राम की बात कर रही हूँ, अब ये उसी का बी पार्ट है, डेडिकेटेड क्लस्टर टेकन फ्रॉम द लेबोरेटरी कंप्यूटर। अब ये देखें अर्ली वेज टू फॉर्म अ क्लस्टर, जैसे कि अब ये एक यूजर है, ठीक है, ये तीन पीसीज हैं, इसमें से ये वाला जो पीसी है, ये वाला जो यूज़र है उसको एज अ ये वाला क्लस्टर जो है वो डेडिकेट कर दिया गया, मतलब ये वाली एंड नोट को ये इसको एंड नोट चूज कर लिया है, इसको एज एंड नोट चूज कर लिया है, ये भी एज अ सब एंड नोट्स है लेकिन ये इथरनेट के साथ फर्दर सब पार्ट्स के अंदर सब कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमारी है डेडिकेटेड क्लस्टर, और ये जो भी मतलब कनेक्टर लगा हुआ है आपको पता है बस टोपोलॉजी के अंदर हम कनेक्टर यूज करते हैं, सो एज अ ये आप लिंक एज अ स्विच के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, रिपीटर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का जो है कनेक्टर यूज हुआ है यहाँ पे। सो ये यूजर है उसको डेडिकेट कर दिया गया है, भाई ये तुम्हारा जो है तुम इसके साथ बाउंड हो, इसके साथ कम्युनिकेशन करो। सो मैं आप लोगों को कर रही हूँ, यू आर कनेक्टेड विद एज अ डेडिकेटेड क्लस्टर। ठीक है, सिर्फ आप लोग ही मेरे साथ लिंक में हैं, जो बाकी क्लास होगी फिर वो दोबारा दूसरी अपने टाइम में ज्वाइन करेंगे। तो इस टाइम जो एज अ क्लस्टर ज्वाइन किया गया है कि मतलब ये इसी के साथ कनेक्टिविटी करेगा अपनी सब होस्ट के साथ, और कौन सी डिवाइस अटैच है यहाँ पे, स्विच डिवाइस इसके साथ लगी हुई है।
ठीक है, ये है जी आपका डेडिकेटेड क्लस्टर टेकन फ्रॉम लेबोरेटरी कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर में से ही चूज़ किया गया है और किस यूज़र को एक्सेस दे दी गई है कि आप मतलब इसी के अंदर बाउंड है। सो मोर ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज पासिंग सॉफ्टवेयर देन यूज PVM मेड इट दिस ईजी। जो भी आपका PVM स्ट्रक्चर है, मैसेज पासिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है, उसका मॉड्यूल तरीकाकार है, वो इसको ज़्यादा ईजी बनाता है। मतलब आपने एक फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया ना, तो उसके अंदर बेशक जितने मर्जी PC लगाई जाओ, रिमूव करी जाओ, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं आती। ठीक है, एक बार बनाना पड़ता है, आपको सेट करना पड़ता है और रिमोटली एक्सेस देनी पड़ती है। रिमोटली एक्सेस देनी है तो आपको उसको, जैसे कि टेलनेट का आपको लोगों को बताया था, टेलनेट में भी हम रिमोटली एक्सेस देते हैं, हम पासवर्ड दे देते हैं, प्रिविलेजेस मोड होता है, ठीक है, राउटर का, तो वहाँ पर जाके हम उसको पासवर्ड लगा देते हैं, सीक्रेट की लगा देते हैं। तो इसी तरह यूनिक्स के अंदर भी एक्सेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर भी एक्सेस है, तो आप डिफरेंट उसको सिक्योर कर सकते हैं। मूविंग टू डेडिकेटेड कंप्यूटर क्लस्टर, जब हम इसकी बात करते हैं इसकी कोस्ट की, ठीक है, वी क्विकली फाउंड इट वेरी कोस्ट इफेक्टिव फ्री। किस सेंस में, देखिए भाई, एक बार बन गया है ना, आपने एक बार पैसा खर्च लिया है तो अपना सेटअप तैयार कर लिया, तो वो एज अ लेबोरेटरी में हम काम करना चाह रहे हैं, तो आपने एक बार पैसा खर्च लिया, वो एक सेटअप बन गया है, उसको जब भी ज़रूरत होगी थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी हर बार, ऐसा नहीं कि हम न्यू सेटअप क्रिएट करें। ठीक है, Every time the laboratory was upgraded, बस हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। सो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। BOLF जो है क्लस्टर्स, BOLF क्लस्टर्स की बात करते हैं। अ स्मॉल बट वेरी इन्फ्लुएंशियल क्लस्टर कंप्यूटिंग, स्मॉल होता है, ठीक है, इसका मतलब यही है, BOLF का मतलब ये है कि स्मॉल है बट एफिशिएंटली जो है वो काम करता है। इसके जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोजेक्ट, जैसे कि नासा, ठीक है, नासा एक कंपनी है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंपनी है, जो भी आपके प्रेडिक्शंस या फिर कोई भी इस तरह की वेदर कास्टिंग, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन, सियारों की इन्फॉर्मेशन, यही नासा ही कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है, और नासा ही है जो आपकी सारी सबनेटिंग को भी प्रॉपर परफॉर्म कर रही होती है। सो सारी कंप्यूटिंग इसके अंदर है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसके अंदर है, हर चीज़ जो भी है आपकी नासा है लाइक ये कंपनी है, तो यही सारी चीज़ को मैनेज करती है। कंसंट्रेटिंग अपॉन फॉर्मिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर क्लस्टर बाय द यूज़ ऑफ रीडली अवेलेबल लो कॉस्ट कंपोनेंट, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ द शेल्फ माइक्रो प्रोसेसर वर चूजन विद द रीडली अवेलेबल ऑपरेटिंग लाइनक्स हो गया विद लो कॉस्ट इंटरकनेक्शन विद ईथरनेट। देखिए ईथरनेट इज अ मतलब ईथरनेट केबल, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट केबल की बात करें तो वो एक्सपेंसिव है, लेकिन लो कॉस्ट ही है ये केबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो इसको मोर इन्हांस करते हैं, इन्हांस करके हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे ये है द की एट्रीब्यूट्स फॉर अटैचिंग द नेम ऑफ BOLF टू क्लस्टर, इट इज़ यूज टू वाइडली अवेलेबल कंपोनेंट टू ऑब्टेन द बेस्ट कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो। सो ये वाला एक ऐसा की एट्रीब्यूट है कि वो आपके जो भी सिस्टम्स अटैच कर रहे हैं उसकी ज़्यादा अच्छी कॉस्ट और परफॉर्मेंस की रेशियो जो है वो आपका ये वाला क्लस्टर रिप्रेजेंट करता है। द टर्म कमोडिटी कंप्यूटर इज यूज टू हाईलाइट द फैक्ट्स दैट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज नाउ सो लो दैट कंप्यूटर कैन बी बोथ एंड रिप्लेस्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि हमें हर बार एक चीज़ अलहदा से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच किए हैं, आप लेस एक्सपेंसिवली उसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आपने एक बार बाय कर लिया है, तो आप उसको बार बार जो है जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपका अपना प्रोसेसर, आपका अपना सिस्टम है, अपनी मेमोरी है, अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। सो जब भी हमें कुछ भी लाइक इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है तो हम थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो खर्च मतलब बाय करते हैं और चीज़ जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, खर्च की और ले ली। Clearly one would use higher performance component. So जो आपका BOLF है वो क्या है, आपकी higher performance component provide करता है इस simple clusters की बजाय। If that made economic sense and really high performance clusters
वुड यूज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स अवेलेबल। देखिए भाई, जितने पैसे आपने खर्चने हैं उसके हिसाब से ही आपका सिस्टम जो है वो काम करेगा। जितनी हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर है उतनी ही उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी भी होगी। सो ये एज अ कम्युनिकेशन की सेंस में ही है। ईथरनेट केबल अच्छी लगाएगी तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी। अगर आपका स्विच एक्टिव है तो वो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर परफॉर्म करेगा। इसके आगे सब पार्ट्स को देखते हैं, इंटरकनेक्ट इसके अंदर कैसे होता है। वीओएल्फ क्लस्टर्स कॉमनली यूज द फास्ट ईथरनेट इन लो कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि फास्ट ईथरनेट केबल यूज होती है विद लो कॉस्ट क्लस्टर्स। गीगाबिट ईथरनेट इज एन ईजी अपग्रेड पाथ। गीगाबिट ईथरनेट जो है, जैसे कि मैं आप फास्ट ईथरनेट गीगाबिट हो गया, गीगाबिट ईथरनेट हो गया, तो इस तरह डिफरेंट गीगाबिट्स की ईथरनेट्स की टाइप्स हैं। सो ये सारी नेटवर्किंग में पड़ी हुई हैं। दिस वाज द चॉइस मेड यूएनसी चार्लोट। हाउएवर देयर आर मोर स्पेशलाइज्ड एंड हायर परफॉर्मेंस इंटरकनेक्ट सच एज जो भी ये वाला साइंटिस्ट है, मतलब कि मेरिनेट 2.4 गीगाबिट्स पर सेकंड इंटरकनेक्ट जो है इसने प्रोवाइड किया था। सो ये जो टर्म्स हैं इसको करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने देखना कि इंटरकनेक्ट कैसे के मतलब ये फास्ट ईथरनेट केबल जो है वो उसके अंदर यूज़ होती है विद द लो क्लस्टर्स। मतलब हम बहुत कम पैसों के अंदर और स्पीडली भी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हमारी बड़ी अच्छी हो रही है। सो ये जो इतनी सारी टर्म्स है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बस बेसिक टास्क ये है कि इसको समझना है कि क्या होता है ये वीओएल्फ क्लस्टर। क्लस्टर विद मल्टीपल इंटरकनेक्ट्स, अगर लेट्स सपोज करें कि मल्टीपल कनेक्ट्स में ये चीज़ है इसके कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट के ऊपर अदर प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं तो मल्टीपल पैरेलल इंटरकनेक्शंस टू रिड्यूस द कम्युनिकेशंस ओवरहेड। सो जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इन्हांस करना, तो हम वहाँ पे पैरेलल इंटरकनेक्शंस को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। बिकॉज पैरेलल में ये होता है कि आपके बहुत सारे टास्क जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और कम्युनिकेशन का ओवरहेड भी नहीं होता। ठीक है, तो क्लस्टर्स कैन बी सेंट विद मल्टीपल ईथरनेट कार्ड्स और नेटवर्क कार्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सिनेरियो यूज़ कर रहे हैं और कौन सा उसका अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। सिमेट्रिकली मल्टीप्रोसेसर क्लस्टर, सिमेट्रिकली वही चीज़ पहले भी कर लिया हुआ है। सिमेट्रिकली सिमेट्रिक में ये है कि एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है मल्टी प्रोसेसर जो भी क्लस्टर की फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। स्मॉल शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, बिकॉज मल्टी प्रोसेसर है तो जहाँ पे भी मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है तो समझ जाएं कि शेयर्ड मेमोरी तो होगी ही होगी। बिकॉज पैरेलल कंप्यूटिंग है, पैरेलल कंप्यूटिंग में फिर मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर में तो फिर शेयर्ड मेमोरी ही यूज होती है। सो नीचे डायग्राम होगी बनी, उसके अंदर भी होगा ये कि कैसे ये सिमेट्रिकली बेस पे काम कर रहा है। तो इसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है मल्टी प्रोसेसर और कैसे शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। हाँ जी भाई, पैरेलल प्रोग्रामिंग क्लस्टर में क्या है ये देखें, यूजिंग स्पेशली डिज़ाइन अडॉप्टर नेट, ये सब का जो है वो डिज़ाइन यूज़ किया गया। अब ये सब एज अ पैरेलल काम कर रहे हैं विद अ शेयर्ड मेमोरी, ये आपकी एक्चुअली शेयर्ड मेमोरी है और बाकी सारे प्रोसेसर जो हैं वो एज अ पैरेलल काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, यूजिंग सेपरेट ईथरनेट इंटरफेस, अब वहाँ पे पैरेलल था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ईथरनेट यूज़ कर रहा है, ये ईथरनेट यूज़ कर रहा है, ये डिफरेंट आपके पीसीज लगे हुए हैं, ठीक है, एज अ क्लस्टर, क्लस्टर्ड होता है जुड़मट, ईथरनेट को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन अपने अपने सेपरेट इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल हो रहे हैं लेकिन अपनी अपनी ईथरनेट केबल को यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, यूजिंग ईथरनेट स्विचेस, अब ये बेटा आपके स्विचेस हैं, ये स्विच लगा हुआ है, ये डिफरेंट पीसीज लगे हुए हैं, डिफरेंट पीसीज अटैच हुए हैं, सो ओवरलैपिंग हो रही है, जो भी ईथरनेट है ये केबल्स हैं, ये वाली केबल्स हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, कोई किसी के साथ अटैच है, कोई किसी के साथ अटैच है, ठीक है, ओवरलैपिंग कनेक्टिविटी ईथरनेट्स, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह आपके क्लस्टर को या आपके कंप्यूटिंग को या आपके आपकी टोपोलॉजी को मैनेज करता है। क्लस्टर ऑफ शेयर्ड मेमोरी कंप्यूटर, ये इंटरकनेक्शन, मतलब कोई भी आपने इंटरनेट यूज़ करें या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अब ये आपका सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर कंप्यूटर जीरो है, सो ऑन, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स पीसी जो लिमिटेड फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है लिमिटेड फॉर्म में लगे हुए हैं, सो ये डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, ये मेमरीज हैं, ये आपकी ईथरनेट है और मेन इसके साथ कनेक्टेड है
है, देखिए क्लस्टर की बात है तो ईथरनेट केबल्स को लगनी ही लगनी है। सो जो भी कनेक्टिविटी हो रही है वो ईथरनेट केबल के साथ ही हो रही है। ये आपका मेन स्विच है, ये डिफरेंट पीसीज हैं, शेयर्ड मेमोरी यूज हो रही है लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं, सिमेट्रिक एक साथ होता है शेयर्ड मेमोरी के जरिए। हाँ जी, अब जो इसकी सेटिंग होती है क्लस्टर की वो दो तरह से है, एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या चीज़ देखनी है, कॉमन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज़ टू हैव वन कंप्यूटर ऑपरेशन एज अ मास्टर नोड विद द अदर कंप्यूटर इन द क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर नोड विद अ प्राइवेट नेटवर्क। देखिए भाई, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या चीज़ करनी होती है, हार्डवेयर में हमने एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही तैयार करना है ना, एक नोड को दूसरे कंप्यूटर की नोड के साथ जोड़ दिया, दूसरे को तीसरी के साथ, लेकिन यहाँ पे कैसे है, एक इंटरकनेक्शन है उसके साथ हमने स्विच लगाया है, स्विच के साथ ईथरनेट केबल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट कनेक्टिविटी एज अ प्राइवेट नेटवर्क जो है हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो दी मास्टर नोड इज ट्रेडिशनली नाउन एज द फ्रंट एंड, जो भी आपकी मास्टर नोड होती है जिसके साथ सब कुछ जोड़ा जाता है वो आपकी फ्रंट एंड नोड होती है और एक्ट लाइक एज द सर्वर करती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, स्टोरेज होती है। नहीं देखें, हम किसी भी वेबसाइट की सर्विसेज को बाय करते हैं तो हम मेन सर्वर से एक्सेस लेते हैं, ठीक है, हम सी पैनल के एक्सेस लेते हैं, वो हमें थोड़ा सा उसमें से सर्वर प्रोवाइड करते हैं, वो पूरी सारी स्पेस नहीं दे देते, जितने पैसे आपने देने हैं उतनी आपको स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है। सो वो आपको एक आईपी देते हैं, वो आईपी आपको यूनिक होता है, उसी की बेस पे ही तो पता चलता है कि कम्युनिकेशन करनी है तो ये एक अलग नोड है, वो दूसरी अलग नोड है। ये डेडिकेटेड क्लस्टर विद अ मास्टर नोड, अब मास्टर नोड और डेडिकेटेड क्लस्टर के दरमियान भी देखते हैं, ये आपका पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है, ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, ये यूज़र है एक। अब यहाँ पे क्या है, आपकी मास्टर नोड है ये, इसके साथ इसको जोड़ा गया, अपलिंक मतलब कोई भी कनेक्टर्स लगे हो सकते हैं, ये आपके स्विच है, ये एक स्विच डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। ये आपका सेकेंड इथरनेट इंटरफेस है, ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, तो इसलिए इसको सेकेंड इथरनेट इंटरफेस कहा गया। सो ये डिफरेंट कंप्यूटर नोड्स हैं, स्विच के साथ अटैच हैं, स्विच जो है दूसरी मास्टर नोड के साथ अटैच कर रहा है सेकेंड इथरनेट इंटरफेस के साथ, ठीक है। इन स्विच तो इन पीसीज के साथ भी एज अ इथरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। हमने यहाँ पे केबल्स यूज किए हैं, इथरनेट केबल्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे एक मास्टर है और बाकी सारे उसके स्लेव कंप्यूटर नोड्स हैं, इसके साथ कनेक्टेड है आपके स्विच के साथ है, और स्विच के साथ भी कैसे कनेक्टेड है, आपकी इथरनेट इंटरफेस इथरनेट केबल्स यूज हुई है। तो ये है आपका एक डेडिकेटेड क्लस्टर, है ऊपर वाली एग्जांपल ही, लेकिन अब उसमें ये है कि मास्टर नोड के साथ वो पहले कनेक्ट नहीं था, वो सिंपल क्या था, आपका डेडिकेटेड क्लस्टर बाहर वाले एक्सटर्नल यूजर के साथ कनेक्ट था, ठीक है। अब ये एक मास्टर नोड के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मास्टर नोड अब इस वाले यूजर के साथ कनेक्टेड है। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे दूसरी डायग्राम है, डेडिकेटेड क्लस्टर विद अ मास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नोड एंड सीरियल कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक्सटर्नल है, ये आपका डेडिकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेडिकेटेड क्लस्टर है, यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन नेटवर्क लगा हुआ है, सीरियल एक मतलब सीरियल फॉर्म में लगा दी, एक वायर लगा दी हुई है, तो मास्टर नोड भी थी, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर नोड भी है, एक मास्टर नोड है, एक जो आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव नोड है, और कोई भी चीज़ चेंज नहीं, बाकी सेम वैसे ही है जैसे हमने किया है, ठीक है। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही हैं, ईथरनेट केबल्स के साथ लगी हुई हैं। हाँ जी, उसके बाद आती हैं आपकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, नॉर्मली वेरी कंप्यूटर इन द क्लस्टर विल हैव
normally every computer in the cluster will have a copy of the operating system, traditionally Linux, but Windows cluster can also be formed. अब उसमें तो हमने एक फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया. अब उसके अंदर जैसे कन्फिग्रेशन हो रही है, कमांड्स लिखी जा रही हैं, आईपी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको एक्सेस अलाउ की जा रही है, तो वो सारी आपकी सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन के अंदर आती हैं. बट विंडोज क्लस्टर्स कैन आल्सो बी फॉर्म द मास्टर नोड विल नॉर्मली आल्सो कंटेन ऑल द एप्लीकेशन फाइल फॉर द क्लस्टर. देखिए भाई, जो आपने एक मास्टर नोड सेलेक्ट कर ली है उसी ने सारी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है. उसको DNS कहा गया, डोमेन नेम सिस्टम है वो. अब उसने क्या करना है, सबको IP की एक्सेस प्रोवाइड करनी है. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक IP ले लिया है, तो वो सबको क्या करेगा, सबको क्या करेगा, एक्सेस प्रोवाइड कर देगा सब नेटिंग करके. बेटा ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर है उसमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी जो भी आपकी फाइल एज अ सर्वर होगी. सो उसमें भी हमने देखा था कि टेलनेट है, SSH है, तो ये डिफरेंट सिस्टम थे जहाँ पे हम एज अ रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. तो सॉफ्टवेयर में एज अ, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करती हूँ ना, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि आपको 3 levels पे जो है वो सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, या फिर वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमने एक स्केच बना देना होता है फिजिकली, ठीक है, ऐसे जैसे हमने इसकी हार्डवेयर कन्फिग्रेशन में बनाया. तो प्लेटफॉर्म वो चीज़ होती है जहाँ पर आपने स्क्रिप्ट रखना है, तो जिस जगह पे आपको कोई इसको रखना है वो होता है. और सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस है कि उसके अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. आप एक वेबसाइट बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट का एक IP लेना है. वेबसाइट का IP लेने के लिए आपको एक डोमेन ले ली. अब डोमेन का क्या करेंगे, डोमेन तो ले ली, आपको उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है. आपने उसका एक स्केच बनाना है, वो भी बना लिया. अब ये रखनी कहाँ पर है जब उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगी, उसकी हार्डवेयर में पूरी एक सेटअप ही नहीं होगा. तो वो होता है आपका एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज. तो वो आपको सी पैनल एक्सेस मिलती है, तो सी पैनल आप बाय करते हैं, ठीक है. इसी तरह वेब होस्टिंग भी बाय करते हैं, तो देन आपको दोनों सेटअप मिल जाते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी फिजिकली काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर आपकी स्पेसिंग ख़त्म होगी तो आप उसके लिए बाय करेंगे दोबारा, ठीक है. कोई भी कस्टमाइजेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, जो भी चीज़ है वो आपको सर्विसेज बाई करनी पड़ती है मेन सर्वर से. तो इसके अंदर जो मोस्टली कॉमनली यूज होती है फाइल सिस्टम होता है, सारी मतलब कि सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना है, IP एड्रेस चेंज करना है, ईथरनेट के साथ उसकी कमांड्स लिखनी है, तो वो सारी आपकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस में होती हैं. सो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमने यही चीज़ की थी कि कैसे आप कमांड्स लिखते हैं, उसको कैसे IP प्रोवाइड करते हैं, कैसे सबनेटिंग आती है, तो आप जितने मर्जी नेटवर्क्स हैं उसको यूज करके उसको IP प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. एक मेन नोड है, एक सर्वर लग गया है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपनी सारे जितने भी क्लस्टर्स में सब नोड्स ऐड हैं उनको IP प्रोवाइड कर देगा. लेकिन शर्त ये है कि आपको एक IP बाय करना पड़ेगा. तो ये था आज आप लोगों का लेक्चर, बस इतना ही काफ़ी है, बिकॉज क्लस्टर तक ही भी हमने पढ़ना था. आज का टॉपिक हमारा क्लस्टर पढ़ा है. क्लस्टर में हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है, ब्यूल्स जो है क्लस्टर को देखा है कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, बट विद लो कॉस्ट ऑफ इथरनेट बाय यूजिंग क्लस्टर में एक टास्क मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर परफॉर्म हो रहे थे, और इसके अंदर एक मेन मास्टर नोड होती है, बाकी सारी उसकी स्लेव नोड्स होती हैं. सो मास्टर नोड भी हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव नोड भी हो सकती है, लेकिन कनेक्टिविटी सारे कंप्यूटर्स की जो हो रही है वो एक स्विच के साथ लगी हो सकती है या हब के साथ हो सकती है. अब वो बाकी जो मास्टर नोड के साथ कनेक्टेड है स्विच, वो भी आपकी एक मेन इथरनेट के साथ कनेक्टेड है, और जो आपके सब नोड स्विचेस के साथ अटैच हैं वो भी आपकी इथरनेट के साथ कनेक्टेड है. तो ये था आप लोगों का लेक्चर. होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वैसे भी ईजी ही था.
हमने क्लस्टर का कॉन्सेप्ट कल ही जो था वो क्लियर कर लिया था। आज तो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी है, टू वे से है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती, हार्डवेयर लेवल पे और सॉफ्टवेयर लेवल पे। हार्डवेयर में हमने उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है, सॉफ्टवेयर पे हमने जो भी उसकी आईपी की मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशंस है, वो करनी होती है। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन किसी को?